दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 1,09,84,735 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 61,40,649 मरीज ठीक हो चुके हैं। 5,24,036 लोगों की मौत हो गई है। कोलंबिया में एक दिन में 171 लोगों की जान गई है। महामारी की शुरुआत के बाद से ये अब तक सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं अमेरिका में 24 घंटे में 55,000 संक्रमित मिले हैं। ये हर दिन सामने आने वाले मामलों में अब तक सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो वहीं 15 अगस्त तक देश की पहली स्वदेशी COVID-19 वैक्सीन लॉन्च करने का लक्ष्य रखते हुए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत बायोटेक के सहयोग से विकसित होने वाली वैक्सीन कोवैक्सीन के ट्रायल में तेजी लाने के लिए कहा है। हर ओर गिरी हुई सोच का जीता जागता देश चीन है। वो ठान के बैठा है कि वो क्रूर होने की इंतहा पार कर जाएगा। चीन पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है। दुनिया के सामने चीन की क्रूरता खुलकर सामने आ रही है। चीन अपने मुल्क में उइगर मुसलमानों की जिंदगी बद से बदतर कर रहा है। चीन उइगर मुस्लिमों की आबादी को कम करने के लिए मुस्लिम महिलाओं की जबरदस्ती नसबंदी कर रहा है। बताया जा रहा है कि ये सिलसिला पिछले 4 सालों से शिनजियांग प्रांत में चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारी संख्या में गर्भपात और नसबंदी जैसे काम किए जा रहे हैं। उन पर जुल्म की हर हद को पार कर दिया गया है। इंटरनेशनल कोर्ट में इटली के 2 नौसैनिकों को लेकर चल रही सुनवाई का आखिरकार फैसला आ गया है। ये मामला था 2 भारतीय मछुआरों की हत्या का। साल 2012 में इन 2 इतालवी नौसैनिकों पर मछुआरों की हत्या का आरोप लगा था। ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार 2 इतालवी नौसैनिकों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया था। इटली ने यूएन क्लॉज के तहत भारत की नेविगेशन की स्वतंत्रता का उल्लंघन किया। कोर्ट ने कहा कि भारत को इस नुकसान का मुआवजा मिलना चाहिए। नेपाल में पिछले कुछ दिनों से सियासी उठापटक जारी है। कहा जा रहा है कि ओली के पास बहुमत नहीं है और उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए संसद के सत्र को रद्द करवा दिया है। ओली पर प्रधानमंत्री और पार्टी प्रमुख दोनों पदों से इस्तीफा देने का दबाव बढ़ता जा रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की बढ़ती मांग के बीच राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद के चल रहे बजट सत्र को रद्द कर दिया है। राष्ट्रपति ऑफिस से जारी बयान में कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों के वर्तमान सत्र को रद्द कर दिया गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसा कैबिनेट की मांग पर किया गया है। एक तरफ भारत मना कर रहा है और दूसरी तरफ भारत के विरोध के बाद भी पाकिस्तान मानने को तैयार नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अब खबर आई है कि पाकिस्तान सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने का मन बना लिया है और इसका बाकायदा ऐलान भी कर दिया है। इस पर भारत की प्रतिक्रिया देखने लायक होगी।